हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके पास बहुत सारी इमेजेस है और सभी इमेजेस को चाहते हैं एक ही पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमारे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैं सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ, डेमो के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सारे इमेज को हमको पीडीएफ फाइल में आपको कन्वर्ट करना है, वो भी एक ही पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसके ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आपको इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। कैसे करना है तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस फाइल में इमेज है उस फाइल को ओपन करते हैं। अपने सारे इमेजेस को करना है, आपका कोई भाई नाम से हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, लास्ट से लेकर फर्स्ट तक आपको सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो भी पीडीएफ हो सीरियल बाई सीरियल लग जाएगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको प्रिंट का, आपको प्रिंट पे आ जाना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ का आपको प्रिंट का विंडोज ओपन हो जाता है। यहाँ प्रिंटर्स वाले ऑप्शन में आपको जो है कई सारे प्रिंटर का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको एक प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो इमेज इस तरह से शो कर जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जा रहा है, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट करेंगे तो ये फाइल आपका रेडी होगा और यहाँ पे आपको जो फाइल का नाम सेव करने के लिए मांगा जा रहा है, तो चलिए हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं और इस फाइल का नाम कुछ दे देते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं पीडीएफ मैंने टाइप दे दिया और यहाँ से सिंपली हम सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से पे आपको क्लिक कर देंगे, ये हमारा फाइल जो रेडी होगा ये विंडोज बंद हो जाएगा। हमारा ये फाइल जो ग्रीन चल रहा है ये पूरा भर जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो इसको भरने तक आपको वेट करते हैं, ये हमारा ये फाइल बंद हो चुका है। अब इसको हम खोल के दिखा देते हैं। तो हमारा ये पीडीएफ फाइल यहाँ आ चुका है, ये हमारा पीडीएफ बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी कंप्यूटर में किसी भी इमेजेस को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।